हल्के हल्के देखें आप, ये लोहा जो है अपने उस उस्ताद के लोहे की करीब करीब साइज में भी और खत में भी आता जा रहा है ये। और जितनी हम मेहनत करेंगे, जैसी बात है एकदम से कोई चीज़ नहीं बन जाती, जितनी हम मेहनत करेंगे, जितना दिल जमाई से इसमें काम करेंगे और जितना जो है वो इसको समझ के करेंगे, ये उतना ही अच्छे से अच्छा बनेगा। इस काम में वक्त बहुत लगता है, इसीलिए लोग जो है वो बाज़ औक़ात असातिज़ा के ना के काम के को तकरीबन ज़्यादातर लोग, मैं इसमें बड़ा अफसोस के साथ कहूँगा कि इस दुनिया में एक ये बाकायदा चीज़, एक रिवायत चल गई है कि इसको असातिज़ा के काम के ऊपर सफ़े को रख करके, बाकायदा उसकी मुकहर पेपर को रख के, उसको बिल्कुल वैसे ही कलम चला करके और फिर बाद में अपना दस्तखत कर देते हैं और फिर नीचे नकल हो या कल्लदा हो इस तरह की चीज़ें जो भी होती है वो लिख देते हैं। ये बिल्कुल तरीका सही नहीं है मेरी नज़र में, इसलिए कि इसमें अपनी मेहनत किए बगैर ही आप जो है वो सारा का सारा इनाम ले जाते हैं, उसकी सेहरा अपने सर बांध लेते हैं आप। इससे बचना चाहिए, और जो नए सीखने वाले हैं तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा, मैं खुद भी इस बात पे अमल करता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और मैंने भी यही सीखा है अपने असातिज़ा से कि चीज़ जो है, जो मेरे उस्ताद हैं उस्ताद अब्दुलरऊफ देहलवी और उस्ताद अहमद मदनी साहब, उन्होंने हमेशा यही सिखाया है कि चाहे अपना काम करो चाहे किसी उस्ताद का काम करो, उसमें मेहनत अपनी ही होनी चाहिए। ये है असल बात। अब हमने किस तरह से करना है कि देखें, ये जो यहाँ पर सीन का जो पहला शोशा ख़त्म हो रहा है, दूसरा शोशा शुरू हो रहा है, इसके इस सीन में आके इसके आना चाहिए, ये आगे हो गया ना, थोड़ा सा यहाँ आना चाहिए।
तश्कीलात लगाना भी उतना ही बड़ा फ़न है जितना के पूरा लोहा बनाना। मैं जब तकरीबन कुछ 3 साल अपने उस्ताद मदनी साहब से मैंने सीखा तो उस वक्त तश्कीलात मुझे लगानी भी नहीं आती थी, मैं सिर्फ बस ऐसी बना लिया करता था। तो 3 साल गुजारने, 3 साढ़े 3 साल के बाद उस्ताद मदनी साहब ने मुझे कहा कि बेटा अब तुम जितना वक्त तुमने लफ्ज़ों को दिया है, मश्क की है, जो भी, उतना ही वक्त तुम्हें अब तश्कीलात में मेहनत करने में देना है। तो मैं उस वक्त इसको एक ऐसी समझा कि शायद उस्ताद ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई शायद बनाना मुश्किल है ऐसा कोई बस, लेकिन बाद में पता लगा कि ये तरतीब देना, ये तश्कीलात की तरतीब होती है, ये कौन सी ज़बर, कौन सी ज़ेर, जज़्म कहाँ होना चाहिए, ये चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नीचे कहाँ ऊपर, ये चीज़ यहाँ भी आ सकती थी, वो चीज़ यहाँ भी आ सकती थी, कौन सी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, कौन सी, इसका पूरा इल्म है पूरा। तो एक लगे बंदे उसूल हैं इसके इसके भी। तो उसे जब मैंने समझ में आया थोड़ा सा, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ, ये उस्ताद मदनी साहब ऐसे नहीं कह रहे थे। अच्छा, ये अलीफ यहाँ से अभी थोड़ा सा हमसे बड़ा, मुझसे बड़ा हो गया है, इसको मैं बाद में इंशाल्लाह छोटा करूँगा। मैं अभी और भी बहुत सारी खास बातें हैं इससे मुताल्लिक। मैं इस तश्कील को यहाँ लगा रहा हूँ और ये इलेही की जेर यहाँ पे आ सकती है आराम से। इलेही की जेर मैंने यहाँ डाल दी है और ये तश्कील यहाँ डाल दी। ये जो है वो अरकाम, ये जो तारीख है हमारी, ये इसकी जगह आ जाएगी। ये दस्तखत के लिए आएगा, यहाँ पर मैं नकलहू महफूज लिखूँगा ताकि ये जो उस्ताद हलीम की जो तकलीर है वो भी यहाँ पर इसका इजहार हो जाए। ये जो हा है ये इसकी तश्कील है। ये बाज लोगों को बहुत दूर लगती है लेकिन ये जगह इसकी सही है, क्योंकि इसके बाद एक दो अगर हर्फ भी आ रहे हो तो उसके बाद भी आप तश्कील डाल सकते हैं।